राज्यपाल रमेन डेका ने आज राजभवन में न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त इंदर सिंह उबोवेजा को छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबोवेजा ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। अतिरिक्त मुख्य सचिव रेणु पिल्ले ने शपथ प्रक्रिया पूर्ण कराई। शपथ के बाद राज्यपाल डेका और मुख्यमंत्री साय ने पुष्पगुच्छ से उबोवेजा का अभिवादन किया, तो वही विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने मुख्य लोकायुक्त अध्यक्ष को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। पहले भी वह सरकार से जोड़कर न्यायालय में भी बेहतर काम कर चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में अपने दायित्व को लेकर बेहतर काम करेंगे। पूजा जी को मुख्य लोकायुक्त बनने के लिए मैं अपनी ओर से शुभकामना और बधाई देता हूँ, और जैसे पहले भी वो सरकार से जुड़ के न्यायालय में भी बेहतर प्रदर्शन काम कर चुके हैं, तो हम सब अपनी शुभकामना व्यक्त करते हैं कि आने वाले समय में अपने दायित्व को बेहतर निर्वहन करेंगे। चलिए, थैंक यू। शपथ ग्रहण करने के बाद इंदर सिंह उबोवेजा ने कहा कि लोक आयोग कानून के हिसाब से जो मुझे अधिकार दिए गए हैं उनका 100% पालन होगा। जो भी काम पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। लोक आयोग कानून के हिसाब से जो मुझे अधिकार दिए गए हैं उनका 100% इस्तेमाल होगा, और प्रावधान कैसा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से होगा, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। जब ज्वाइन कर लूँगा, अभी ज्वाइन कर ही लिया है समझिए, अब वहाँ जाके मैं देखूँगा अगर कोई पेंडिंग होंगे तो मैं निपटाऊँगा, जल्दी जल्दी निपटाऊँगा। देखिए, ये काम जो है वो अपना जो लोक आयोग कानून के हिसाब से रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है वो हिज एक्सीलेंसी है। एक्शन जो है जो भी होने हैं वहाँ से हो रही है, एक्शन उनका काम नहीं है। लोक आयोग के प्रमुख लोग, उनका काम है इंक्वायरी करना, और अगर होल्ड करते हैं वो तो वो रिपोर्ट करेंगे। वो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, एक्शन अथॉरिटी नहीं है। ऑर्डरिंग अथॉरिटी है, ऑर्डर करके वो उसके बाद अगर वो पाते हैं कुछ सब्सटेंस है कुछ उसमें होल्ड करेंगे तभी वो रिपोर्ट आगे भेजेंगे, वरना वो अपना खुद ही फाइल कर देते हैं, उनको राइट है ये। थैंक यू।